1960 बांग्लादेश का जीडीपी 4.27 बिलियन डॉलर से आज 416 बिलियन डॉलर हो गया विद 100% ग्रोथ। किसी एक टाइम बांग्लादेश को गरीब एंड कंगाल का देश बोला जाता था, आज वही बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट जस्ट 18% ओनली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश कैसे रिच हुआ, बांग्लादेश किस तरह बहुत बड़ा जो टेक्सटाइल का बादशाह है वो बना है, किस तरह बांग्लादेश ने अपने आप को टेक्सटाइल में मनवाया है और पूरी दुनिया को ये बताया है कि टेक्सटाइल में बांग्लादेश से बेहतर कोई भी नहीं है। अब अगर हम चाइना के बाद किसी कंट्री की बात करें तो वो है बांग्लादेश। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं बांग्लादेश से अपना काम करवाती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं बांग्लादेश में तैयार होती हैं। अब यहाँ पर इंडियन मीडिया में हमेशा से ही इस चीज़ के हवाले से बात की जाती है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिसके बाद बांग्लादेश इतना अमीर हुआ, टेक्सटाइल में इतनी आगे निकल गया और इतनी कामयाबियां हासिल की हैं। आज की रिपोर्ट इसी के हवाले से है, साथ ही यहाँ पर कैपिटा की बात की जा रही है। आज 2022 गुजर चुका है, 2023 में एंटर हो चुके हैं। 2022 में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन बांग्लादेश में काफ़ी अरूज पे रही है और जी साथ ही हम अगर पर कैपिटा की बात करें, इसके बावजूद भी इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद भी बांग्लादेश का जो पर कैपिटा है इंडिया से आगे है। इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है आज की रिपोर्ट में आप लोग से देखूंगी। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखनी है गौर से, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसके बाद मैं मज़ीद पॉइंट्स हैं बांग्लादेश के बारे में जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने मेरी बात भी लाजमी सुननी है। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश इस प्लैनेट का एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस किया सिंस फ्रीडम, चाहे वो वॉर से नेचुरल कैलामिटी क्यों ना हो, सब कुछ झेल लिया इस कंट्री ने। 11th नवंबर 1970 मोस्ट डेडलीस्ट साइक्लोन हिट किया था इन द बे ऑफ बंगाल एंड दैट डेडलीस्ट साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। ड्यू टू दैट साइक्लोन आधा बांग्लादेश पानी में डूब चुका था, जिसके वजह से 5 लाख लोगों की जाने गए थे एंड बांग्लादेश वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। And this is the most dangerous cyclone ever happened in this planet. Bangladesh, South Asia का एक ऐसा country है जहाँ huge numbers of refugees are there. Presently, Bangladesh is dealing with 10 lakh refugees. But इतना सब कुछ होने के बाद भी Bangladesh की लोग and government का हौसला कभी तोड़ नहीं पाया। Very recently, Bangladesh whole world को shock दिया just by presenting the GDP data. In 1960, Bangladesh का GDP 4.27 billion dollars से आज 416 billion dollar हो गया with 100% growth. किसी एक टाइम बांग्लादेश को गरीब एंड कंगाल का देश बोला जाता था, आज वही बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट जस्ट 18% ओनली। एंड ये सब चीज़ एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ, दैट इज़ बांग्लादेश का बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आगे हम लोग जानेंगे कैसे बांग्लादेश इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया। आज एडिडास, गैप, नाइकी जैसा ब्रांड बांग्लादेश में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना आज खुद अपना टेक्सटाइल प्रोडक्ट बांग्लादेश को आउटसोर्स करता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ लेबर कॉस्ट। चाइना में आज एक लेबर का कॉस्ट 500 से 600 डॉलर हो गया एंड बांग्लादेश में सेम जॉब के लिए 100 से 200 डॉलर के अंदर एक वर्कर मिल जाता है। एंड आज मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक ही देश चाइना के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहता है, इसीलिए वो लोग आज 3-4 देशों में अपना प्रोडक्शन करता है। जस्ट लाइक वेरी रिसेंटली एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से इंडिया शिफ्ट किया। किसी भी कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए अपने देश के नेचुरल रिसोर्स को फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल ईस्ट कंट्री का तरह बांग्लादेश कोई नेचुरल रिसोर्स वाला देश नहीं है जो मिट्टी से ऑयल उठाएगा एंड सेल करके पैसे कमाएगा लाइक सऊदी अरेबिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सऊदी अरेबिया इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करके एक बूमिंग इकोनॉमी बनाया। फर्स्ट थिंग सऊदी हैज डन इज एट द वेरी अर्ली स्टेज नेचुरल रिसोर्स ऑयल को फाइंड आउट किया एंड अंडरग्राउंड ऑयल को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच के बहुत सारा पैसा कमाया एंड उस पैसे का यूज करके आगे इंडस्ट्री बनाया। बट इन द केस ऑफ बांग्लादेश ओनली चीप लेबर वॉज द मेन रिसोर्सेज एंड ये चीज़ को देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट इस लेबर फोर्स को यूज किया अपना टेक्सटाइल रेडीमेड इंडस्ट्री में एंड इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए मैनी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया। किसी भी बिजनेस और फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए
मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है एंड ये सब चीज के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। शुरू में बांग्लादेश के लोगों के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं था एंड ये चीज को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट के साथ लोगों को लोन देना स्टार्ट किया। बट फंडिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के बाद और एक चैलेंजर सामने आया, दैट इज इम्पोर्ट टैक्स। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बाहर की कंट्री लाइक US, चाइना, जापान से मशीनरी इम्पोर्ट करना होता था। इम्पोर्ट टैक्स लगने की वजह से डोमेस्टिक प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था एंड इसी चीज को फिक्स करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चालू किया था, दैट इज रिवोकिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका मतलब ये होता है फ्रॉम नाउ बाहर का कंट्री से मशीनरी इम्पोर्ट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट द क्वेश्चन इज, अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा देन गवर्नमेंट का अर्निंग कहाँ से होगा? एंड उस टाइम गवर्नमेंट ने एक ट्रिक अप्लाई किया, फाइन प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जब बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए जाएगा उस टाइम फाइन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट का कस्टम वेयरहाउस पे रखना कंपलसरी था। बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स लगा के अपना टैक्स वसूल करता था। इससे दो चीज़ का फायदा हुआ, फर्स्ट डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस कंट्रोल, सेकेंडली एक्सपोर्ट टैक्स लगने की वजह से गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाना। बांग्लादेश में रहने वाला एक आम आदमी आज एक इंडियन से भी ज्यादा पैसा कमाता है। प्रेजेंटली बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट $2,700 है, वेयर एज एट द सेम टाइम इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,300 से भी नीचे है। एंड आज बांग्लादेश हमसे कई चीजों से आगे बढ़ गया। इन 1971 बांग्लादेश जब आजाद हुआ था उस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिचर था एंड आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिचर है। इसी चीज को देखते हुए रिसेंटली एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आबिद हसन एक स्टेटमेंट ने बोला, बाय 2030 पाकिस्तान को बांग्लादेश से लोन लेना होगा। किसी एक जमाने में फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर बांग्लादेश को एक बास्केट केस बोला था। बास्केट केस का मतलब ये होता है बांग्लादेश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, होल वर्ल्ड को फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा एंड बांग्लादेश टोटली उधारी पे जिएगा। एंड ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है बाय 2030 सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, डेनमार्क इन सभी कंट्री को बीट करेगा। विद इन 50 ईयर्स बांग्लादेश आज अपनी इकोनॉमी को ऐसी ऊंचाई पे लेके गया जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। बट हर चीज का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। रिसेंटली बांग्लादेश इज फेसिंग सम रियल चैलेंजेस लाइक चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री में वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए चाइल्ड लेबर को मिसयूज किया जा रहा है एंड बांग्लादेश की बिगेस्ट एवर थ्रेट एक ही इंडस्ट्री टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंड होना। बिकॉज टुडे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग बट टुमारो देर इज नो गारंटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल परफॉर्म एंड प्रेजेंटली वियतनाम इज द बिगेस्ट कंपटीटर ऑफ बांग्लादेश। कंपनीज अगर अपनी प्रोडक्शन किसी और कंट्री में शिफ्ट किया देन बांग्लादेश की इकोनॉमी विल बी टोटली कोलैप्स्ड। सो दैट्स ऑल आज का वीडियो। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बांग्लादेश कैसे रिच हुआ, बांग्लादेश के रिच होने की कहानी। यहाँ पे बांग्लादेश जिसको बास्केट केस कहा जाता था, कितनी तेजी के साथ बांग्लादेश ने, कितनी मेहनत के साथ ये सफ़र जो है अपना आगाज़ किया और अब जो है कामयाबी से जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। हर कंट्री बांग्लादेश को जो है अप्रिशिएट करने पे मजबूर है। अब यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री जो कि दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमी है, लाइक यहाँ पे आप देखें तो दुनिया की सबसे मार्केट भरी मार्केट जो है इंडिया की है। हर कंट्री का फोकस होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इंडिया में सेल आउट करे। बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की जानिब से कभी काफ़ी बातें जो है बांग्लादेश को कही जाती थी, लेकिन आज ये मौका आ गया है कि बांग्लादेश इंडिया को पर कैपिटा में बहुत पीछे छोड़ चुका है। $2,300 इंडिया की पर कैपिटा है, जबकि बांग्लादेश की पर कैपिटा $2,800 को भी क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ पे 2050 तक बांग्लादेश कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा? बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी के इक्वल हो चुकी होगी। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में अपना जितना नाम बनाया है, आगे बांग्लादेश मज़ीद इसमें एडवांसमेंट्स लाएगा और अपनी जो स्किल्स हैं उनको आजमाएगा। और यही चीज़ जो कि अभी तक बांग्लादेश ने जो पोजीशन हासिल की है इसमें मज़ीद जो है बांग्लादेश खुद को आगे लेके जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनको बीट करेगा। इसमें सिंगापुर है और अदर काफ़ी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं जो कि बांग्लादेश से अभी तो आगे हैं, लेकिन बांग्लादेश इनको सून बीट करेगा। आप लोगों का क्या कहना है इसके हवाले से, इंडियन मीडिया के ओपिनियन के हवाले से? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं आप
लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट भी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट भी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को आप लोगों ने लास्ट भी लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।